हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CTI या CITS के प्रवेश परीक्षा के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये सेट नंबर 17 रहने वाला है और इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला सेट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइन ग्रेन कास्ट आयरन, यानी कि जो सरफेस प्लेट है वो फाइन ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि यह प्रायः वर्गाकार या आयताकार आकार की बनाई जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो सरफेस प्लेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील, यानी कि डबल कट फाइल का प्रयोग स्टील पर फाइलिंग के लिए किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। किसका? तो डबल कट फाइल का। अगला पॉइंट है इसका, यह हार्ड मेटल को तेजी से काटता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप चीजल, यानी कि जो कैप जो चीजल होता है वो कौन सी चीजल होती है? तो कीवे काटने वाली चीजल होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कैप चीजल का फिगर दिया गया है। अब देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जो चीजल जो होता है वो प्रायः किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मार्किंग के दौरान किसके द्वारा रेफरेंस उपलब्ध होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग ऑफ टेबल की के द्वारा, यानी कि मार्किंग ऑफ टेबल की के द्वारा जो रेफरेंस जो है वो उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो ग्रेड में पाई जाती है, ग्रेड वन और ग्रेड टू में पाई जाती है। कौन? तो एंगल प्लेट। इस फिगर में आप देख सकते हैं एंगल प्लेट का फिगर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि एंगल प्लेट जो होता है उसका कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण का होता है। और किस धातु का बना होता है? तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किसको? तो एंगल प्लेट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस स्क्राइबर को वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट स्क्राइबर, यानी कि ऑफसेट जो स्क्राइबर है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये ऑफसेट स्क्राइबर का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि स्क्राइबर एक तेज धार वाला औजार है जिसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सेटिंग, यानी कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग हॉरिजॉन्टल सेटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, सरफेस गेज को भी कहते हैं, यानी कि जो सरफेस गेज है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबिंग ब्लॉक, यानी कि जो सरफेस गेज है इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो लेथ मशीन है उस पर सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज, यानी कि लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पंच, यानी कि ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि जो सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री का होता है, जो डॉट पंच होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो प्रिक पंच होता है वो 30 डिग्री का होता है, जो ऑटोमेटिक जो पंच होता है वो 60 या 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी कि जो वी ब्लॉक होता है उसका जो बी ग्रेड होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 300 mm की होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये वी ब्लॉक का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी गोल जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि वी ब्लॉक का जो शीर्ष का कोण होता है वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोण मापना, यानी कि कोण मापने में भी कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है, गहराई मापने में भी किया जाता है, उसके बाद सेंटर निकालने में भी इसका किया जाता है, यानी कि कोण मापना, गहराई मापना, सेंटर निकालना, इन तीनों में कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेसिक यूनिट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, यानी कि SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेसिक यूनिट क्या है, तो मीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाइस के हैंडल की धातु होती है, यानी कि जो वाइस होता है उसका जो हैंडल होता है वो किस धातु की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु इस्पात की होती है, यानी कि जो वाइस होता है उसका जो हैंडल होता है वो मृदु इस्पात की होती है। इस फिगर में देख सकते हैं ये वाइस का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाइस के जॉ प्लेट की धातु होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल स्टील की, यानी कि जो वाइस जो होता है उसका जो जॉ प्लेट होता है वो टूल स्टील की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेट हैमर, यानी कि लकड़ी से बने जो हैमर है उसको क्या कहते हैं, तो उसे मैलेट हैमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिवेटिंग या चिपिंग के लिए प्रयोग हैमर, यानी कि रिवेटिंग या चिपिंग के लिए हम कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं, किस लिए, तो रिवेटिंग या चिपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हैमरिंग करते समय हैमर को उसके अंतिम सिरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 30 mm, यानी कि हैमरिंग करते समय हैमर को 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए, यानी कि उसके सिरे से अंतिम सिरे से 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
हैमर के आई होल का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाकार, यानी कि जो हैमर होता है उसका जो आई होल होता है वो कौन से आकार का होता है, तो वो अंडाकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके ब्लेड को क्या किया जाता है, तो हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चिजल किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCS, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए प्रयोग चीजल, यानी कि जो वर्कशॉप है वहाँ पर साधारण कार्य के लिए कौन से चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बियरिंग के अंदर तेल की नलिये काटने में प्रयोग चीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो बियरिंग के अंदर तेल की नलिये काटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिंक के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कि जिंक के लिए फ्लैट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 35 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।